राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और दिन है मंडे, और मैं निकल गई आज थोड़ा सा बाहर। बोर हो रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं पहुंची पार्लर, और पार्लर जाके मैंने थ्रेडिंग कराई। मैं और कुछ तो कराती नहीं हूँ, बस थ्रेडिंग कराई। और थ्रेडिंग कराने के बाद वहीं पास में ही एक सीमा दीदी हैं, तो उनके घर में चली गई। और ये है सीमा दीदी। अच्छा, सही। राधे राधे, क्या सो रही थी? क्या सो रही थी? अच्छा, सही। तुम ही आ जाओ हमारे पड़ोस में। मतलब तुम वहां पे ज्यादा रहते थे ये जानवर? अच्छा अच्छा ये लोग हैं। मैं रेंट पे रही थी, तो वहाँ पे मतलब जो दीदी थी उनकी देवरानी हैं ये दोनों लोग। तो नेचर वाइज सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो जाना आना होता रहता है। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। तो घर पे आके सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने दूध गर्म किया और फिर बर्तन धुले, चाय बनाई, चाय पी। हालांकि चाय तो मैं पी के आई थी, लेकिन फिर मन हुआ तो पी ली। और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, चली गई थी इसलिए। तो मैंने फटाफट से सोया पड़ी भिगो दी तहरी बनाने के लिए, और सब्जियां कुछ ज़्यादा नहीं थी, खास नहीं थी, तो मैंने सोया पड़ी भिगो दी और आलू टमाटर प्याज यही सब डाल के। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई। तो ये देखिए, ये है आयरन की कढ़ाई, ठीक है, आयरन की कढ़ाई है ये। ये पता है किस लिए है? ये मेरी मम्मी ने मंगाई है मेहंदी के लिए, बालों में मेहंदी लगाती है वो, उसके लिए उन्होंने मंगाई है। तो अगर मेरा जाना हुआ तो मैं ले जाऊंगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि वो कह रही है आ जाओ श्राद्ध पे, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। ये आई है 120 रुपए की। मैगी तो नहीं है, आप लोगों को बताना मुझे। और चलिए ये हो गई, और लेके आई हूँ मैं ये खट्टे मीठे वाले सेब। ये सेब अगर मुझे दिख जाते हैं तो मैं जरूर लेती हूँ इनको, मुझे इनका टेस्ट ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। प्लस ये उन सेब से ये सस्ते भी होते हैं, और इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला होता है ना सेब, खट्टा मीठे वाला, खट्टा मीठा वाला, ये वाला। तो ये मुझे दिख गए, 100 रुपए के 1.5 किलो दे रहा था वो, तो मैं ले आई। तो ये है सेब। बाकी तो मैं कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि कुछ नहीं लेना था मुझे। मैं मेरा जो मतलब मैं जिस पर्पस से गई थी वो था मेरा थ्रेडिंग कराना, और बस थ्रेडिंग कराई। फिर मुझे कढ़ाई मतलब मम्मी ने बोला था, तो मैंने कहा चलो कढ़ाई देख लेते हैं, और उसके बाद ये दिख गए रास्ते में तो इनको ले लिया मैंने, बस। बाकी और कुछ नहीं मैं लेके आई हूँ, तो बस ये लेके आई हूँ। ये वाले सेब किस किस को पसंद है जरूर बताइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं करूँगी तहरी की तैयारी। काफ़ी लेट हो रही हूँ आज मैं खाना के लिए, चली गई थी इसलिए। और वहाँ से आपके बर्तन धुले, पहले चाय बनाई, चाय पी। हालांकि मैं चाय पी के आई थी उनके यहाँ दीदी के यहाँ,
लेकिन मन हुआ तो पी ली। और आते आते तो सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, बहुत तेज गर्मी लग रही थी। और देखो अभी मेरे ना कपड़े फैलाने को पड़े हैं, तो अब मैं बाद में फैलाऊंगी, पहले तहरी की तैयारी करती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने जो भी अवेलेबल था उसको कट किया और फटाफट से तहरी मैंने छौंक दी। तो सबसे पहले मैंने बड़ी जो थी उनको दो टुकड़ों में कट करके और उनको फ्राई किया। मैं मतलब हमेशा कट करके ही डालती हूँ, कट करके सब्जी भी बनाती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है काटने के बाद, छोटे छोटे पीस में जब हो जाती हैं। और उसके बाद बस ऑयल गर्म किया और जीरा वगैरह डाल के प्याज वगैरह भूना और बस फटाफट से मसाले ऐड कर दिए, हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं। उसके बाद आलू और सोया बड़ी टमाटर वगैरह सब ऐड कर दिया, बन गई हमारी तहरी। बाय बाय, थैंक यू।